हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं IQ 90 के बारे में। यस, जो कि आपको यहाँ पर आपको इंडियन मार्केट में देखने लिए मिल रहा है। यस, आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में देखने लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फिर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर यानी कंटिन्यू कर सकें। तो बिना कोई देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, एंड इस वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग, प्राइज, ऑल डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर लें। यस, डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। IQ 90 में यहाँ पर आपको 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस यहाँ पर आपको सैमसंग E5 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने लिए मिल जाएगा LTPO वर्जन 2.0 के साथ। एंड यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की जो टच सैम्पलिंग रेट, एंड 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट देखने लिए मिल जाता है। 8-bit कलर का ऑप्शन आपको देखने लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी इस पैनल के साथ वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने लिए मिलने वाली है। एंड यहाँ पर आपको 15 nits की, यस 1500 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी। HDR10+ वाइड एंगल L1 का सपोर्ट, ओब्वियसली 383 PPI पिक्सल डेंसिटी, DCI-P3 कलर गैमेट का सपोर्ट। डिस्प्ले में गाइस यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट जो डिस्प्ले प्रो चिप का सपोर्ट देखने लिए मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी को यानी एनी वर्क में अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेमिंग के लिए वो आपको यहाँ पर यानी कस्टमाइज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। एंड अगर आप यहाँ पर अदर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अदर वर्क के रिगार्डिंग वो आपको यानी ऑप्शन शो करेगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको डिस्प्ले किसी भी रीजन से आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, गेमिंग करने के लिए, एनी वर्क करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। अगर उसे कंसिडर कर सकते हैं 100% आप। बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। यानी आपको BMW का खासकर जो स्टाइल है ना, वो मुझे पर्सनली काफ़ी यहाँ पर आपको पसंद आता है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को भी इसका स्टाइल है ना वो काफ़ी पसंद आता होगा। एंड वो अपनी अपनी चॉइस है, बिकॉज यहाँ पर आपको BMW का यानी वैसे तो हर कोई फैन होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पर विक्टस देखने को मिल जाएगा। बैक पर यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। रैम एल्यूमिनियम के देखने को मिल जाएगी। बैक पर यहाँ पर आपको IQ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट सेंटर पंचोल में, यस, जो कि न्यू डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, तो वो आपको सेल्फी पेपर देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट पर जो चिन बेजल्स देखने मिल जाएंगे वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले रहेगा। एंड यहाँ पर आपको 206 ग्राम का वेट, 8.37 mm थिकनेस देखने लिए मिल जाएगी। यस, तो ओवरऑल इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड देखने लिए मिल जाती है, प्रीमियर लुक आपको प्रोवाइड कर देगी। चिपसेट की बात करते हैं, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, जो कि यहाँ पर आपको मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन में यूज़ होने वाला प्रोसेसर है। 4 nm पर बना हुआ Octa-Core का 5G प्रोसेसर है। Adreno 730 GPU है। अंततु मैक्सिमम स्कोर की बात करूँगा, 1.1 million अंततु मैक्सिमम स्कोर प्रोवाइड कर देता है, जो कि एनी गेमिंग को, एनी वी जो हार्डवेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा है उसको यानी आपको हैंडल करने के लिए। Adreno 730 GPU देखने में जाएगा। LPDDR5 RAM टाइप, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, Android 12 रहेगा, एंड फनटच OS 12 पर ये रन करेगा। यस, ओवरऑल Vivo V1+ चिप का सपोर्ट आपको देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको IQ Vivo का सब ब्रांड है। यस, इसका कजन ब्रदर है, तो यहाँ पर आपको Vivo V1+ का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, जो कि आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर काफ़ी फास्ट कर देगी। तो मेरा आपसे यहाँ पर सजेशन रहेगा कि अगर आप यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, यानी आप कन्फ्यूजन हो कि हम यहाँ पर जो ASUS को ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, ASUS ROG Phone 6 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन को, ASUS ROG Phone 6 एंड 6 Pro, इनमें से आप कन्फ्यूजन हो कि हम यहाँ पर ASUS ROG Phone 6 Pro वर्सेस यहाँ पर आपको IQ 90 इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बाय करें, तो 100% आग बंद करके IQ 90 की तरफ जा सकते हो। बट यहाँ पर आपको जो लोग ASUS लवर हैं वो ASUS की तरफ जाएंगे, IQ के लवर हैं वो IQ की तरफ जाएंगे, अपनी अपनी चॉइस है। फिर वो कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको IQ 90 में यहाँ पर आपको जो 15 MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिला जी। एंड यहाँ पर आपको सैमसंग GM5 देखने को मिल जाएगा सेंसर प्राइमरी कैमरे में, विथ यहाँ पर आपको रियल टाइम जो ऑटो फोकस के साथ। एंड यहाँ पर आपको 13 MP का अल्ट्रा वाइड सोनी IMX663 सेंसर के साथ, 12 MP का टेलीफोटो, यस, फ्रंट सेंटर कंसोल में यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी स्नैपर, बैक से 8K कर पाओगे, फ्रंट पर यहाँ पर आपको 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे।
ऑल कैमरा फिल्टर स्लो मोशन बूके इफेक्ट पनोरमा वो सब आप देखने मिल जाएंगे, कोई भी शुक्रिया नहीं होगा वहाँ पर आपको। बैटरी लाइफ की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको 4700 mAh की बैटरी, यस 4700 mAh की बैटरी 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जो कि बॉक्स में आपको देखने लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको इशू क्रिएट नहीं होगा। 50W के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग से यस एक बार चार्ज करने पर आपका स्मार्टफोन 1 day का बैटरी बैकअप बिजली प्रोवाइड कर देगा। अदर सेंसर की बात करें, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, साउंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव देखने मिल जाएगी अदर स्मार्टफोन से। वाईफाई 6E NFC एंड ब्लूटूथ 5.2 VC लिक्विड कूलिंग एंड लार्ज वेपर चैम्बर कूलिंग, इन सब का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादातर गेमिंग के पर्पज से इसी स्मार्टफोन को बाय करने वाले हैं ज़्यादातर पर्सन, बिकॉज IQ90 में यहाँ पर आपको प्रोसेसर यूज हुआ है उसको काफ़ी अच्छी तरह से IQ ने गेमिंग के पर्पज से ऑप्टिमाइज किया है इसी स्मार्टफोन के साथ। फाइनली अब यहाँ पर वेरियंट की बात करें, 8GB 128GB का प्राइस यहाँ पर आपको 46,700 rupees एंड यहाँ पर आपको 12GB 5.2GB का प्राइस यहाँ पर आपको 56,000 rupees के समथिंग आपको देखने लिए मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने यहाँ पर आपको इसी आल स्पेशल आपको इस वीडियो में बताया, तो आपको यहाँ पर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके स्पेस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। ऐसे वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गाइस YouTube फैमिली ऑलवेज स्माइल।